देखिए आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड कॉल आते ही रहता है फ़ोन में। ऐसे में आपका जो पेटीएम अकाउंट है उसमें भी आपका फ्रॉड हो सकता है, और ऐसे ऐसे में जो भी अकाउंट लिंक है आपका पेटीएम अकाउंट के साथ, यानी कि जो भी जो आपका प्राइमरी अकाउंट है या फिर जो भी बेनिफिशियरी अकाउंट है, खतरे में हो सकता है आपका पेटीएम अकाउंट। इसलिए आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका जो UPI ID के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है उसको कैसे डिलीट करना है, कैसे डीरजिस्टर करना है, सब सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए सबसे पहले मैं पेटीएम को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और देखिए इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपको जो बेनिफिशियरी अकाउंट को कैसे डिलीट करना है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन मैं आज इस वीडियो में जो आपका UPI ID के साथ जो प्राइमरी अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसको कैसे डीलिंक करना है, डी रजिस्टर करना है, वो बताने वाला हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ जितने भी ऑप्शन है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है UPI। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है UPI, तो मैं UPI को सिलेक्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो UPI ID भीम UPI ID दिखाई देगा, साथ ही साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है वो भी दिखाई देगा, और नीचे की तरफ भी आपको देखिए वही बैंक अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं देखिए जो भीम UPI ID को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसको सिलेक्ट करते देखिए यू कैन चेंज योर प्राइमरी बैंक अकाउंट और एड ए न्यू बैंक अकाउंट। मतलब आप जो प्राइमरी बैंक अकाउंट कभी भी चेंज कर सकते हो, कभी भी उसको आप ऐड कर सकते हो नया बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली क्या है, जो बैंक अकाउंट है इसको डी रजिस्टर करना है, यानी कि डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं देखिए जो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे की तरफ है जो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करते देखिए आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक चेंज UPI पिन, फॉरगॉट UPI पिन, डिलीट बैंक। तो अच्छा लग रहा है डिलीट बैंक का ऑप्शन है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको डिलीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको डिलीट बैंक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके आप जो प्राइमरी UPI ID आप डिलीट नहीं कर सकते हो, दूसरा जो भी बैंक अकाउंट है, दूसरा जो सेकेंडरी UPI ID है वो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर भी मैं जो डिलीट बैंक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट फॉर UPI ID कैन नॉट बी डिलीटेड। तो मैं फिलहाल बैक कर ले रहा हूँ अभी, और बैक करने के बाद देखिए आपको जाना है एक ऊपर की तरफ जो तीन डॉट है उसको सिलेक्ट करना है, राइट साइड में टॉप में है देखिए, और उसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नीचे का जो ऑप्शन है डी रजिस्टर्ड UPI प्रोफाइल उसको सिलेक्ट करना है, और उसको सिलेक्ट करते देखिए इस तरह का एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो हिस्ट्री है सब डिलीट हो जाएगा, आपको फिर से नया UPI ID क्रिएट करना होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप बस आप ओके कर दीजिए और आपका जो UPI प्रोफाइल ID आपका डिलीट हो जाएगा, और आपका जो बैंक अकाउंट भी नहीं रहेगा, जो प्राइमरी UPI ID आपका डिलीट हो जाएगा, डी रजिस्टर हो जाएगा। तो देखिए अभी डी रजिस्टर हो गया, यहाँ पर आपको देखिए कोई भी बैंक अकाउंट नहीं दिखाई देगा, या मतलब आपका अभी जो UPI ID नहीं है। तो देखिए UPI ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी जो UPI प्रोफाइल ID नहीं दिखाई दे रहा, फिर से आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है, उसके बाद आपको फिर से UPI ID बनाना है। तो इस तरीके से आप अपना जो प्राइमरी बैंक अकाउंट को डी रजिस्टर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको ज़रूरत है फिर से आप बैंक को सिलेक्ट करके फिर से एक नया UPI ID बना लीजिए। देखिए यहाँ पर किधर भी मेरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, मतलब पेटीएम में अभी कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है।
देखिए पोस्टपेड में कुछ अमाउंट्स आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में देखिए मैनेज बेनिफिशियरी को सिलेक्ट कर लेते हो। देखिए आप यहाँ पर भी कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना जो बैंक अकाउंट बड़ा ही आसानी से डीलिंक कर सकते हो, डी रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फिर से अगर आपको ज़रूरत है यूपीआई आईडी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से आपको यूपीआई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जितने भी बैंक है, जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं SBI को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सिम सिलेक्ट करना है, यानी कि जो सिम नंबर आपका जो अकाउंट है अकाउंट के साथ लिंक है वो सिम नंबर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू सेंड SMS ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिम टू को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू सेंड SMS ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और देखिए वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर विथ बैंक। तो फिलहाल अभी देखिए फिर से आपको एक नया UPI ID बनाना होगा, और देखिए UPI ID सेम नहीं होना चाहिए, बनता नहीं है, आपको फिर से नया एक UPI ID बनाना होगा। ठीक है, फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते आपका UPI ID फिर से बन जाएगा, फिर से बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्राइमरी बैंक का अकाउंट डीरजिस्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो बड़ा ही आसानी से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहे डिलीट करो, लिंक करो, डिलिंक करो, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।